हमारा ही देश के पारस जैसे कुछ चुनिंदा लोग हमारा ही देश के किसी एक पार्ट को, किसी एक स्टेट को, किसी एक देश के अंग को भारत के पार्ट के रूप में या फिर भारत के अंग के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें चाइनीज बुलाते हैं। हमारे देश के पारस जैसे गंदी और विकृत सोच रखने वाले कुछ लोग हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को चाइनीज, हक्का नूडल्स, चिंगी इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कल्चर, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का खान पान को इग्नोर करते हैं, इंसल्ट करते हैं, चाइनीज बोल के उन्हें चिढ़ाते हैं और उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, पर इस महान देश के बारे में जानना जरूरी है। हर एक स्टेट्स के उनके कल्चर को रेस्पेक्ट देना जरूरी है। हर एक देश के लोगों को, हर एक कोने के देशवासियों को रेस्पेक्ट देना, उन्हें अपनाना, यही सच्चा देशभक्त कहलाता है। हमारा ही देश में रह के, हमारा ही देश के एक स्टेट को, एक उसके कल्चर को डिसरेस्पेक्ट करते, उन्हें इंसल्ट करके, उन्हें उनके खान पान को इंसल्ट करके, इग्नोर करके, उसे देशभक्ति नहीं, उसे देशद्रोह कहते हैं। हमारे देश के सभी कल्चर और सभी देशवासियों को अपनाना चाहिए, उनके कल्चर, उनके खान पान और उनकी रहन सहन की अपनाना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। देश को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। हमारा ही देशवासियों को अलग नज़रिए से देखना, उन्हें इंसल्ट करना, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और ऐसे विकृत सोच को रखना, ये देश तोड़ने वाली बात है। हमारे देश में 28 यानी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। हर एक राज्य की अपनी एक खूबी है, अपने अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग कल्चर है। विविधता भरी देश में एकजुटता का ताकत है और इस एकजुटता की ताकत को कमजोर करना और इस ताकत को तोड़ना, ऐसे कुछ विकृत सोच रखने वाले लोग ऐसा काम करते हैं। पारस जैसे लोगों के बयान से तो ये नहीं लगता कि ये देश को जोड़ने में मदद या विश्वास करते हैं। इस तरह के विकृत सोच रखने वाले लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। अब आपको मैं सुनवाता हूं पारस का बयान, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसका बयान। इसका बयान से इसकी सोच का हम अंदाजा लगा सकते हैं। सबके सामने आएगा, मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई ये इंडिया के है। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है हल्का। सुन लिया दोस्तों, और शायद आपको इस लड़के के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा इस तरह का घटिया सोच रखने के कारण। अब मैं आपको बताऊंगा इसने ऐसे बयान क्यों दिया, इसके पीछे का कारण सुनिए दोस्तों जरूर ध्यान से। दोस्तों आपको पता ही होगा शायद कि भारत में पबजी गेम बैन है और अब यही गेम भारत में नेम चेंज करके पबजी से बैटल ग्राउंड के नाम से भारत में न्यूली लॉन्च हो रहा है। और इस गेम को भी भारत में बैन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के एक रेस्पेक्टेड एमएलए ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख के इस गेम को बैन करने के लिए बोला था। इसी के संदर्भ में पारस नाम के इस लड़के ने इस तरह का बयानबाजी किया था। और इस बयान के बाद जब पूरे देश भर से इस बयान की प्रतिक्रिया और कड़ी निंदा हुई, देश के बड़े बड़े लोगों ने इस बयान की कड़ी निंदा की, यहाँ तक कि बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टारों ने भी इस तरह के बयानबाजी की कड़ी निंदा की, तब शायद इसको समझ में आया कि इसने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की और माफी मांगते हुए एक वीडियो भी अपलोड किया। कर रहा हूं, मैं मानता हूं मेरी गलती है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, फांसी लगा लूं अपने आप को।
लेकिन अफसोस की बात यह है, इसकी वॉइस और इसकी वॉइस की टोन से ये अब भी ये नहीं लग रहा है कि ये अपने दिल से इस बात के लिए शर्मिंदा है। कड़वी लेकिन बहुत ही सच्ची बात, जब तक इस तरह की घटिया और विकृत सोच हमारे मन में और हमारे दिमाग में है, तब तक हमारा देश कभी नहीं आगे बढ़ सकता। इस तरह का सोच और इस तरह का लोग ही हमारे समाज और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। हम लोग देश को एकजुट रखकर देश को आगे डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की कुछ विकृत सोच वाले देश को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की घटिया सोच को लेकर देश के बाहर के दुश्मन से तो हमारी सेना और हमारे देश बरसों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारा ही देश को तोड़ने वाले ऐसी गंदी सोच रूपी दुश्मन का क्या? देश के बाहर के दुश्मन के साथ लड़के देश को एकजुट तक ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर का दुश्मन का क्या? ऐसी घटिया सोच का क्या? एक भारत और श्रेष्ठ भारत ऐसे महान विचारों का क्या होगा? हम हमारे ही देश में रहके हमारे ही देश के कल्चर को, हमारे ही देश के खान पान रहन सहन को, हमारे ही देश के लोगों को अगर हम घृणा की नज़र से देखेंगे तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम ही हमारे देशवासियों को चाइनीज नाम से बुलाएंगे, उन्हें चिढ़ाएंगे तो इस देश का एकजुटता का क्या? हम अपने ही लोगों को अपना ना कब सीखेंगे? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब देश में हम एकजुट थे। कई जाति, कई पंथ, कई धर्म सब एकजुट होकर देश के साथ खड़े रहे और देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हम अब धीरे धीरे ऐसी विकृत सोच के गुलाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा। हम ही हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी की कल्चर के नाम पर। मैं पहले ही मेरे कई सारे वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है देश प्रेम और देशभक्ति। बात कड़वी लगती है, लेकिन इस बात में सच्चाई है, दम है मेरी बात में। देश से बड़ा और देशभक्ति से बड़ा कोई जाति, कोई धर्म नहीं। इस वीडियो को और इस सोच को जरूर शेयर कीजिए, देश के हर एक कोने में इसको पहुंचाइए, देश के हर एक व्यक्ति तक इस मैसेज को पहुंचाइए, ताकि देश की सोच बदले, देश तरक्की की ओर आगे बढ़े, ना कि इस विकृत सोच का हम शिकार बने। अगर आप मेरी इस बात से समर्थन करते हैं, अगर मेरे बात से आप सहमत हैं, तो वीडियो को बिना संकोच किए शेयर कीजिए, देश के हर एक कोने तक, हर एक व्यक्ति तक इस मैसेज को पहुँचाइए। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, दुर्घटना से भली देर होती है, कहीं हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए। हम और हमारा सोच आगे बढ़ेंगे तभी जाके हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। दिल से एकजुटता होने में अगर देर हो गई, की जिम्मेदारी हम ही होंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। दुर्घटना से पहले हमें एकजुट होना ही होगा। देश के हर एक कोने को हमें अपनाना होगा, देश के हर एक कल्चर को हमें अपनाना होगा, देश के हर एक व्यक्ति को हमें रेस्पेक्ट देना होगा, ताकि हम अपने साथ साथ हमारे समाज, हमारे देश और हमारे देश के सभी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है। इस वीडियो को संकोच किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे हर एक व्यक्ति तक पहुँचाए, हमारे देश की एकता का सवाल है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक माध्यम से इसे शेयर कीजिए और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि देश हित की एक भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो पाए। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। मेरे इस पारस नाम के लड़के से कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तकलीफ है तो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों से जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे देशवासी की इज्जत करना नहीं जानते, उनकी कल्चर, रहन सहन और रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, जो देश की भावनाओं का सम्मान नहीं करते।